कुतिल हिरण्याज वासो धान गुड़ान चह। फिर कहा भूमि, और भूमि भी काय के लिए दी जाए, किस लिए? भूमि कोई ब्राह्मण चौड़े में रह रहा है, टूटे झोंपड़े में रह रहा है, हे नंदी उस ब्राह्मण की कुटिया बनाने के लिए उसको भूमि दान में दे दें, शमशान घाट के लिए भूमि दान में दे दें, लोगों को रास्ते में निकलने के लिए भूमि दान में दे दें। यमराज के रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे, रास्ता भूमि, यहाँ भूमि वाले लोग बैठे हों और आपने कहीं रास्ता दे दिया किसी को निकलने के लिए, आपने विष्णु भवनम गच्छति, नारायण के लोक में जाने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर लिया। बहुत लोग तो किवाड़ जड़ देते हैं रास्ते में, नहीं निकलने देंगे, लठिया लेके आ जाते, जो कि रास्ते दान की कितनी बड़ी महिमा है। सब बर्डन किया है शमशान घाट के लिए भूमि, गौ सदन के लिए भूमि, जहां बेटियों का विवाह होता है उसको कहते हैं जन्मासा ग्रंथ की भाषा में, आ तो पता नहीं क्या गार्डन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इसमें लिखा है जन्माशय के लिए भूमि, यानी जहां वर और वधु दोनों का विवाह होता है, जहां बरातियों को ठहराया जाता है, रोका जाता है, उसको जन्माशय कहते हैं। तो पाड़ ग्रहण सदन भी उसको बोल सकते हैं, उसके लिए भूमिदान, चिकित्सालय के लिए भूमिदान, शमशान घाट के लिए भूमिदान, अनाथ के लिए भूमिदान, गौ माता के चरने के लिए भूमिदान वर्णन है इसमें। शमशान घाट की बड़ी महिमा वर्णित की गई है, गौ सदन चिकित्सालय की, इसमें लिखा है पोखर तालाब और सरोवर के लिए भूमिदान, ये सब वर्णन है, बहुत ज्यादा उसकी महिमा है, तादाद से ज्यादा है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी महिमा है। और भूमि भी हरी भरी खेती, बिल्कुल बंजर नहीं, बिल्कुल लहरा रही हो भूमि, ऐसी भूमि का हे नंदी अनंत गुना अपने आप में फल है। तो लोगों के पास जमीन है तो उसमें से धरती का कुछ टुकड़ा निकाल के, बलि दैत्य कुल में जन्म लिया, 3.5 पग उसने धरती दे दी, नारायण आज भी चौमासा उसी के ही दरवाजे का करते हैं, 4 महीना बलि राजा के पास रहते हैं, ये भूमि दान दान का ही दो प्रभाव है। उसके घर से कभी ईश्वर जा नहीं सकता जिसने भूमि दान किया है। मंदिर के लिए भूमि, महात्माओं के आश्रय के लिए भूमि, धर्मशालाओं के लिए भूमि, हे नंदीश्वर इस भूमि की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप, अनंत गुणा महिमा।